बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 4, लेक्चर नंबर 20, पार्ट 1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक ऑफ व्हाट प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 16। व्हाट प्रॉब्लम 1। इन व्हाट प्रॉब्लम 1, अ लीकिंग टैप वेस्ट 3750 ml ऑफ वाटर इन 1 आवर। How much water will be wasted in a day? Now student, understand करते हैं क्या कह रहे हैं। A leaking tap wastes 3750 ml of water in 1 hour. Means कि एक घंटे में 3750 ml water tap से waste होता है एक घंटे में। तो how much water will be wasted in a day? तो एक दिन में water कितना waste होगा? मीन्स कि अगर एक घंटे में 3750 ml या मिलीलीटर वाटर वेस्ट हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, अब आप डाटा की हेडिंग डालेंगे एंड देन वन बाय वन स्टेटमेंट राइट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे, इन 1 आवर लीकिंग टैप वेस्ट वाटर इज़ इक्वल टू 3750 ml। क्या कह रहे हैं कि एक घंटे में कितना वाटर वेस्ट हुआ है? 3750 ml। सेकेंड स्टेटमेंट राइट करेंगे, इन 1 डे 24 आवर्स हाउ मच वाटर वेस्टेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहे हैं कि एक दिन में कितना वाटर वेस्ट हुआ है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि अगर एक घंटे में 3750 ml वाटर वेस्ट हो रहा है तो अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि एक दिन में कितना वाटर वेस्ट हो रहा होगा। सो ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने सेकंड स्टेटमेंट में 1 डे के बाद ब्रैकेट में 24 आवर्स राइट किया है। बिकॉज 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। मीन्स कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास? 24 होते हैं। सो इसलिए हमने 1 डे के साथ 24 आवर्स राइट किए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्यूशन में वैल्यू को राइट करेंगे। मस्ट रिमेंबर, डाटा राइट करते वक्त इक्वल्स के साइन की फॉर्मेशन का ध्यान रखना है आपने, और इक्वल के नीचे इक्वल्स के साइन आने चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट, आप सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेटमेंट राइट करेंगे, आवर्स इन 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। मीन्स के एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। मीन्स कि हम 3750 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स से। नाउ अब हम सॉल्यूशन में वैल्यूज राइट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास डाटा में जो फर्स्ट वैल्यू थी 3750 ml, हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में वो राइट की, एंड सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन में 24 आवर्स है, सो हम सेकंड पे 24 राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। स्टार्ट अप हमेशा राइट साइड से करेंगे, मतलब यूनिट्स प्लेस से। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में वंस प्लेस पर हमारे पास 4 राइट है, सो हम 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नाउ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो 0 4 ज़ा 0, सो आप 0 राइट करेंगे। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, 5 4 ज़ा 20, सो 20 इज़ 2 डिजिट, सो आप 0 को नीचे राइट करेंगे एंड 2 एज अ कैरी राइट करेंगे 100 प्लेस पर। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, 7 4 ज़ा 28, बट आप 2 कैरी भी ऐड करेंगे, सो 28 + 2 इज़ 30, सो 30 इज़ 2 डिजिट, सो आप 0 को नीचे राइट करेंगे एंड 3 एज अ कैरी राइट करेंगे 1000 प्लेस पर। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, 3 4 ज़ा 12, बट आप 3 कैरी भी ऐड करेंगे, सो 12 + 3 इज़ 15, सो आप 15 राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में 10th वैल्यू में हमारे पास 2 मौजूद है, सो हम 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सेकंड स्टेप में वंस प्लेस पर फर्स्ट स्टेप के नीचे क्रॉस प्लेस करेंगे और हम फर्स्ट स्टेप की कैरी वैल्यू को कट कर देंगे। नाउ हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो 0 2 ज़ा 0, सो आप 0 राइट करेंगे। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, 5 2 ज़ा 10, सो 10 इज़ 2 डिजिट, सो आप 0 को नीचे राइट करेंगे एंड 1 एज अ कैरी राइट करेंगे 100 प्लेस पर। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, सो 7 2 ज़ा 14, बट आप 1 कैरी भी ऐड करेंगे, सो 14 + 1 इज़ 15, सो 15 इज़ 2 डिजिट, सो आप 5 को नीचे राइट करेंगे एंड 1 एज अ कैरी राइट करेंगे 1000 प्लेस पर। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, सो 3 2 ज़ा 6, बट आप 1 कैरी भी ऐड करेंगे, सो 6 + 1 इज़ 7, सो आप 7 राइट करेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन टू स्टेप्स को ऐड करेंगे। स्टार्ट अब हमेशा राइट साइड से करेंगे, मतलब यूनिट्स प्लेस से। सो ज़ीरो के नीचे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, सो इट्स मीन हम ज़ीरो में कुछ ऐड नहीं करेंगे। सो हम ज़ीरो को एज इट इज़ नीचे आंसर में राइट कर देंगे। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास ज़ीरो एंड ज़ीरो राइट है, सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो आप ज़ीरो राइट करेंगे। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास ज़ीरो एंड ज़ीरो राइट है, सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो आप ज़ीरो राइट करेंगे। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास फाइव एंड फाइव राइट है, सो फाइव प्लस फाइव इज़ टेन, सो टेन इज़ टू डिजिट, सो आप ज़ीरो को नीचे राइट करेंगे एंड वन एज अ कैरी राइट करेंगे 10,000 प्लेस पर। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, सो नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास वन एंड सेवन राइट है, बट आप इसमें वन कैरी भी ऐड करेंगे, सो वन प्लस सेवन इज़ नाइन, सो आप नाइन राइट करेंगे। सो आंसर इज 90,000 मिलीलीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप रिज़ल्ट की हेडिंग डालेंगे एंड रिज़ल्ट राइट करेंगे। इन वन डे 24 आवर्स लीकिंग टैप वेस्ट 90,000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं कि एक दिन में जो है कितना पानी वेस्ट हो रहा था टैप से, 90,000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मीन्स कि एक दिन में 90,000 मिलीलीटर वाटर टैप से वेस्ट हो रहा था। सो ये चीज़ हमने रिजल्ट में फाइंड कर ली। होमवर्क, नोट डाउन वर्ड प्रॉब्लम वन इन द कॉपी पेज नंबर 16। सो स्टूडेंट्स, आप एज इट इज़ वर्ड प्रॉब्लम वन को राइट डाउन करेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।